हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और पीछे देखो, एज ऑलवेज रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, जिसको लोग बुलेट के नाम से भी जानते हैं, इसका कंपैरिजन किसके साथ लेके आए? 184 सीसी की बाइक होंडा हॉर्नेट 2.0। तो इसके साथ आज हम इसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट होने वाले हैं। वैसे रिजल्ट तो आई थिंक आप लोगों को पहले से पता ही होंगे, थोड़ा सा इंटरटेनिंग वे में करेंगे तो और मज़ा आएगा। दोनों की टॉप स्पीड ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये तो हम जानते हैं, बट यहाँ पे एरोडायनेमिक और स्लिप स्ट्रीमिंग का भी यूज़ होगा। तो देखते हैं रिजल्ट क्या होने वाले हैं। तो अभी मैं चलाने जा रहा हूँ रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का बुलेट, और कुंदन भाई के हाथ में आ गई हॉर्नेट 2.0 रेपसोल एडिशन। तो भाई आज जोश में है बहुत, आज कह रहे हैं मैं तुम्हें चीर फाड़ दूंगा। तो मैंने कहा आओ भाई चीर फाड़, तो भाई क्या कर सकते हैं यार, हमारे पास रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 है, जो होगा देखा जाएगा यार। हैं, अगर ये आगे निकल जाएंगे तो पीछे जाके मैं टक्कर मार दूंगा इनके में, बस फिर ये दोबारा उठ के बताने के लायक नहीं बचेंगे कि हाँ गाड़ी जीता कौन था। अब बात है भाई साहब, देखो स्लिप स्ट्रीमिंग का यूज कर पाऊंगा। लग नहीं रहा है मेरे को कि बिल्कुल भी मैं कर पाऊंगा, अब इतनी बहुत दूर निकल गया यार ये, इतनी दूर से स्लिप स्ट्रीमिंग यूज नहीं होती है। हवा को ये खुद काटेगी, ओ माय गॉड। कुंदन भाई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं बिल्कुल। तो फाइनली विजेता हम हैं, विजेता। अरे यार रुके रुके, टक्कर मारूं पीछे से, टक्कर मार दूं, छोड़ो। अच्छा नहीं, रोने लगेंगे ये, नहीं टक्कर मार के मार देता, ये गिरे पड़े रहते। अभी सोच रहा था टक्कर मार दूं, मैंने कहा छोड़ो हटाओ, फालतू इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ जाए। राइडर हमने कर लिया स्विच, चलो मुन्ना मौका दूंगा, चलो भागो और तेज चलो चचा, और तेज चचा, बाय बाय। खेलना है, जाए हमें तगड़ा लॉन्च की जरूरत ही नहीं है, बुलेट टिकाया हुआ है पीछे लौंडा, हम इसको ऐसे करेंगे लहराएंगे। ये देखो हम इसलिए स्ट्रीमिंग यूज नहीं करने देंगे इसे। निकल गया, देख रहा भाई साहब बगल से आ गया पूरा, इसलिए स्ट्रीमिंग यूज करके जाओ आगे जाओ, हाँ जाओ जाओ चचा आगे जाओ, अब मैं आऊंगा जोश में। अब लो तुम इसलिए स्ट्रीमिंग का यूज करके बड़े बगल में थे, बहुत खुश थे। ये देखो, देख रहे हो, टाइट माहौल बना दिया था मैंने, ऐसे मजा नहीं आती है ना, सूखा सूखा एक बंदा आगे निकल जाए बाकी पीछे रह जाए, तो थोड़ा इंटरटेनिंग वे में बनाने के लिए ऐसा करना पड़ता है ब्रो। कुंदन भाई किधर गए? अरे पीछे टिके हुए हैं।
होगा। देखो ये चीज जान लो, इसलिए स्ट्रीमिंग कितना फायदा देती है। ये रहे कुंदन भाई, देख रहा बहुत ज्यादा गैप नहीं था, आपने देखा ही। तो आपने देखा क्या हुआ यहाँ पे, हॉर्नेट जो है वो फास्ट है, तो मैंने सेकंड रेस में इनको मौका दिया थोड़ा। मैं यही देखना चाहता था कि अगर ये स्लिप स्ट्रीमिंग यूज़ करेंगे तो कितना बगल में आ सकते हैं। तो आपने देखा बहुत ज़्यादा गैप नहीं था, ये स्लिप स्ट्रीमिंग यूज़ करती है तो 130 पहुँच जाती है। तो बट इसका जो एक्सेलरेशन है वो ना वो तगड़ा है हर गियर में, तो इसलिए ये आगे बनी रही। लेकिन जैसे ही भाई साहब ये विंड ब्लास्ट में आते हैं ये चले जाते हैं पीछे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो में मजा जरूर आया होगा। मजा आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करो अपने भाई को फटाफट, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बहुत अच्छे अच्छे अपडेट आते रहते हैं, मिस कर रहे हो बहुत कुछ, फटाफट फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, राइड सेफ।